हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड वेलकम टू अन अकेडमी। देखिए बेटा, अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है तो आपका सबसे बड़ा सपना है कि मुझे एक ही मेडिकल कॉलेज चाहिए। कोशिश एटलीस्ट उस एक मेडिकल कॉलेज की रहती है जिसका नाम है एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड इस मेडिकल कॉलेज को मानता है। यहाँ से निकले हुए बच्चे बहुत इंटेलिजेंट साबित होते हैं एंड क्रीम है ना यार, 21 लाख में से यहाँ पर एडमिशन बहुत कम को मिलेगा। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ कि जब आप नीट की तैयारी करें और आपको पता है कि मेरा एम्स है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए। आप सब अब तक ये जानते होंगे कि नीट का एग्जाम टोटल 720 मार्क्स का होता है, जिसमें से 360 बायोलॉजी के लिए होते हैं और 360 फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलाकर होते हैं। अब इस 720 में से आपको एक्चुअल में कितना स्कोर करना है अगर आप एम्स जाना चाहते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगी कि सब बच्चे जरूर कमेंट कर दें कि आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। मैं जरूर कमेंट दिल से पढ़ती हूँ, सबके पढ़ती हूँ, तो आई वुड रियली वांट कि सब बच्चे अपना ड्रीम कॉलेज इस वीडियो के कमेंट में जरूर छोड़ के जाएं। देखिए, बात करते हैं वन बाय वन। एक साल के कट ऑफ जानने से कुछ नहीं होगा, मैं पिछले 3 साल 4 साल का आपको कट ऑफ बताऊंगी, उससे एटलीस्ट हमें अंदाजा लगेगा कि इससे ऊपर मेरा स्कोर होना चाहिए तभी कुछ बात बनेगी एम्स में, नहीं तो नहीं बन पाएगी। वैसे ये भी नहीं है कि इस साल अगर पिछले साल अगर इतना कट ऑफ था तो अगले साल आपके समय पर भी इतना होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कट ऑफ डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दैट एग्जामिनेशन, कि अगले साल किस लेवल का पेपर आएगा। कट ऑफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने उसमें अपियर होते हैं। जैसे पिछले साल से हम ट्रेंड देखते जा रहे हैं कि कैंडिडेट्स का नंबर धीरे धीरे 18 लाख 19 लाख 21 लाख 22 लाख तक बढ़ता जा रहा है। हो सकता है आपके समय पर ये नंबर और इंक्रीज हो जाए, तो थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, उससे एटलीस्ट हमें आइडिया लगेगा कि दिस नंबर ऑफ मार्क्स इज माई एम, कि मेरा एम 700 है, मेरा एम 600 है, मेरा एम 650 है, मुझे कितना स्कोर करना है, ताकि आप अपने आप को रेट कर पाए हर टेस्ट में। आई होप आप अपने आप को टेस्ट देते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, और उस प्रैक्टिस में आपको रेटिंग करनी बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं बेटा 2020 से। 2020 मैंने आपके सामने मेन मेन एम्स यहाँ पर रख दिए हैं। सबसे मेजर है अपना एम्स दिल्ली। अगर मैं एम्स दिल्ली की बात करूँ तो एम्स दिल्ली में अनरिजर्व का मतलब होता है जनरल कैटेगरी में क्लोजर हो गया था 705, यानी कि अगर आप जनरल है तो 705 से नीचे अगर आपके नंबर है तो उस साल में एडमिशन नहीं मिल सकता है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो 695, OBC की बात करें तो 691, ठीक है, SC ST 675 एंड 660। आप चाहें तो इन सबका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है जी। भोपाल की बात करूँ तो 681 जनरल कैटेगरी, भुवनेश्वर 681, जोधपुर 680, ऋषिकेश 675, रायपुर 70, 65, पटना एंड 28 जम्मू। मतलब तकरीबन आपको मोटा मोटा अगर मैं बात करूं 650 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए अगर आप एक एम्स चाहते हैं। और एम्स दिल्ली की बात करें 705 प्लस आपका उस साल होना चाहिए था। रिस्पेक्टिवली आपके EWS और OBC वेरी करते हैं। देन कमिंग टू 2021, नीट 2021 की बात करूं तो वहां पर 706 मोर और लेस सेम, इनफैक्ट बढ़ ही गया, कंपटीशन बढ़ चुका है। देन बेटा 695 EWS, OBC 695, SC 680 एंड ST 645। सेम वे उसी प्रोपोर्शन में आपकी बाकी के एम्स भी वेरी करते हैं। जैसे भोपाल के बारे में बात करें 687, भुवनेश्वर भी 687, जोधपुर 85 पे क्लोजर, ये मार्क्स लिखे हुए हैं, मतलब 720 में से जिस पर्सन के नंबर 685 से कम आए उसको जोधपुर नहीं मिलेगा, ठीक है, उस हिसाब से आपके बाकी एम्स है। 2022 पे आ जाते हैं, दिल्ली 705, आपने देखा 3 साल का ट्रेंड, 2020, 2021, 2022, 705 से नीचे जनरल कैटेगरी में एम्स दिल्ली तो नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आपका टारगेट है तो 710 715 टारगेट लेके चलोगे तब जाकर 705 पे आके गिरोगे, ठीक है जी। यस, सेम वे भोपाल 690, यहाँ पर कितना था 687 90, मतलब मोर और लेस सेम जा रहा है। भुवनेश्वर 686, यहाँ कितना था 87, देन 85 85, ये सेम जा रहा है, ठीक है, बाकी आपका ज्यादा वेरी नहीं कर रहा है। कमिंग टू आपका 2023, ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, नीट 2023, मतलब इसी साल के बारे में बात कर रही हूँ। अभी काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है तो मैं फर्स्ट राउंड के हिसाब से आपको बताती हूँ। एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली आप देख लेंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि बाकियों को मुझे कितना इंक्रीज करना है। पहले तक अभी मैं 6706 तक थी, 2023 के फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में ऑब्वियसली थोड़ा कम तक जाएंगे, वो 705 तक ही जाएगा, बट फर्स्ट राउंड की अगर बेटा जी मैं बात करूं तो इट इज 710 इन जनरल कैटेगरी। ये फर्स्ट राउंड है, सेकेंड राउंड तक हम 705 तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। EWS 700, 700, 686, 680,
दिस इज फॉर एम्स दिल्ली फर्स्ट राउंड, मतलब जब मैं सेकेंड राउंड थर्ड राउंड मॉपअप तक जाऊंगी तो अल्टीमेटली बेटा मैं इसी 706-705 तक ही आऊंगी, मोर और लेस इट इज सेम। यहां पर मैंने आपके लिए रैंक्स भी मेंशन करे हैं कि 57th रैंक के बाद जनरल कैटेगरी में एम्स को एम्स में सीट नहीं मिली। 223, 225, 989, 1624। आप रिजर्व्ड कैटेगरी में भी हैं तो 1624 के नीचे फर्स्ट राउंड को तो सीट नहीं मिली है। 21 लाख में पहले 1500 बच्चे, पहले 2000 बच्चों में आना मजाक तो नहीं होगा। इसीलिए बेटा आज तीन नहीं एक ही चीज बताऊंगी, वो एक चीज अगर आपने कर ली तो आप अपनी जगह यहां पर बना सकते हैं। आपके जैसे लोग ही बनाते हैं। आप सोच रहे हैं ना कि ये 1500-2000 लोग कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, इनके पास ऑर्डिनरी लोग हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुमको समझ नहीं आता, तुम डफर हो, तुम डफर नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि आपको शायद करेक्ट गाइडेंस नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि गाइडेंस होते हुए भी आपके आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपके आसपास रिसोर्सेज का आपको अच्छे से यूज करना नहीं आता है। तो आज बेटा मैं एक ही चीज बताऊंगी, वो एक चीज अगर आपने अपने पूरे इस प्रिपरेशन में गांठ बांध ली ना बेटा, आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जिसको एम करोगे वो मिलेगा। एंड दैट वन थिंग इज फोकस। आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो याद रखना कोई ना कोई और पीछे जरूर लगा हुआ है। आप अगर प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं, कोई आदमी ऐसा जरूर है जो आज का काम आज करके जा रहा है, और वो कोई एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, 21 लाख जनता है यार, 2000 लोग चाहिए उनको एम्स में। आप नहीं है तो कोई और मेहनत कर रहा है, आप सो रहे हैं तो कोई और जाग रहा है, आप ढीले पड़ रहे हैं तो कोई और रेस में लगा हुआ है। तो जब भी मन करे ना मुझसे नहीं हो रहा, या मैं थक गया हूं, या मुझे नींद आ रही है, या मेरा ये हो गया वो हो गया, उस दिन याद करना तुम नहीं कर रहे हो तो कोई और फोकस्ड है। क्योंकि जनता बहुत है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सो यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम। तो आपका फोकस लूज नहीं होना चाहिए। आपको एक प्रॉपर वे में पूरे सिलेबस का क्लास लगाना अच्छे सेट ऑफ टीचर से जिनसे आपको समझ आता है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे वो ऑफलाइन है, नो मैटर, सब अच्छा काम करते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, सबका एक ही एम है, पूरे सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एक ही एम है, आपकी सिलेक्शन। आपको जहां अच्छा लगता है, आपको जहां कंफर्टेबल है, जहां समझ आता है, वहां से पढ़िए। लेकिन इस समय पर डेडिकेटेड सेट ऑफ टीचर से पढ़ना बहुत जरूरी है। फोकस चाहिए आपको अपने चॉइस ऑफ टीचर्स में कि आप वो उन 3 या 4 टीचर से ही पढ़े। बेटा पढ़ाने वाले बहुत हैं और विच इज गुड, है ना। हम एक ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जहां पर बहुत लोग उतर रहे हैं अपनी नॉलेज को शेयर करने के लिए, लेकिन आपके पास समय बहुत लिमिटेड है, आप सबसे नहीं पढ़ सकते हैं। टाइम 8 महीने में एक बारी सिलेबस कंप्लीट करना एक सेट ऑफ टीचर से मुश्किल है। आप कह रहे हैं कि मैं ये चैप्टर इससे पढ़ लूंगा, नहीं। आपको फोकस चाहिए अपने सेट ऑफ टीचर्स में। आपको बेटा जी फोकस चाहिए अपने सिलेबस में। अभी आप डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उसकी एलिजिबिलिटी लेकर आ रहे हैं, तो पीएचडी नहीं करनी है किसी भी टॉपिक में। अच्छा लग रहा है बायो, समझ आ गया, लेकिन बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के तुम नहीं निकाल सकते हो, याद रखो। तो बैलेंस्ड वे में आपको अपनी पूरी तैयारी करनी है। साथ ही में बेटा अपनी पूरी जर्नी में अगर तुम सोच रहे हो थ्योरी 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 से हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यहां पर क्या करना है, साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा करनी है। इफ यू थिंक कि यार बिना प्रैक्टिस के बात बन जाएगी, कभी भी नहीं हो सकता। सो प्रैक्टिस के लिए आप आ सकते हैं, जैसे कि मेरा नया मैं प्रैक्टिस सीरीज शुरू कर रही हूं विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका नाम है नीट मास्टर सीरीज। इस सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इन सारे चैप्टर्स, अगर आप इन चैप्टर्स का टोटल वेटेज देखेंगे ना, अपने आप में मोर देन 50% वेटेज है अगर मैं बायो की बात करूं, क्योंकि मैंने इसमें जेनेटिक्स इंक्लूड किया, मैंने जो अभी पढ़ाया था दैट इज बायोटेक्नोलॉजी वो इंक्लूड किया। ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो सब बच्चे इन क्लासेस में एनरोल करेंगे और एनरोल करके मुझे बताएंगे इन द कॉमेंट सेक्शन। आई वुड रियली वॉन्ट कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चा इस नीट मास्टर सीरीज में हिस्सा ले। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मैं फर्स्ट 15 मिनट्स में आपको इसका माइंड मैप बना के दिखाऊंगी, उसके बाद आपसे क्वेश्चन इन द पोल फॉर्मेट पूछने वाली हूँ। इसीलिए इस क्लास में कर लीजिए, ये फ्री क्लास है, एनरोल कर लीजिए, सारी की सारी क्लासेस आपके प्लानर में दिखने लगेंगी। अगर आपसे कोड पूछेगा तो यार कोड डाल देना सीप लाइव, वैसे पूछेगा नहीं बट आप डाल देना सीप लाइव अगर पूछे तो, ठीक है। इसके अलावा जैसा कि बेटा जी मैं आपसे बात कर रही थी, क्लास, टीचर्स, सिलेबस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टेस्ट। ऐसी जगह एनरोल होइए जहां पर आपके प्रॉपर टेस्ट होते हैं,
यस, अगर आप अपने आप को जज ही नहीं करेंगे कि मैम मेरे इस पर ही 605 आए, फिर मैंने इम्प्रूव किया, एनालाइज किया उसको, फिर मेरे 630 बने, फिर मेरे 650 बने, ये जर्नी देखनी पड़ेगी। किसी का भी ग्राफ बेटा ऐसे नहीं शुरू होता कि बिल्कुल पीक पे हो, 700 से शुरू हो रहा है। देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनके साथ ऐसा होता है। असल में बेटा जी जो ग्राफ शुरू होता है ना, वो नीचे से ही शुरू होता है। आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे आप सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो पहले गलती करो, तब जाके उस गलती से सीखोगे और वो गलती तुम्हें पता चलेगी टेस्ट में। ये सारी चीज़ें, प्रॉपर टाइम पर आपका सिलेबस कंप्लीट होना, आपकी प्रैक्टिस सेशन लगाना, आपके प्रॉपर एवरी ऑल्टरनेट वीक टेस्ट होना, ये सारी चीज़ें बेटा जी आपको मिलती हैं हमारे बैच में। अगर आप ड्रॉपर हैं या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए बेटा ऑलरेडी बैच चल रहा है जिसका नाम है अग्नि प्रो बैच। आप इस बैच में आ सकते हैं, अपना सिलेबस हमारे साथ पूरा कर सकते हैं। अभी मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी आपके पास अप टू 35% ऑफ चल रहा है, फ्लैट 15% प्लस 20% ऑफ ऑन नीट यूजी सब्सक्रिप्शन। तीन तरीके का बेटा जी सब्सक्रिप्शन होता है, एक को बोलते हैं ओनली बैच, एक को बोलते हैं प्लस, और दूसरे को बोलते हैं आइकॉनिक। सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन आपके लिए आइकॉनिक है, क्योंकि आइकॉनिक में बेटा जी आपको मिलता है सब कुछ। पूरे प्लेटफॉर्म पर मेरे जितने भी बैच हैं, किसी और टीचर के भी बैच है, फ्यूचर में हमारा क्रैश कोर्स आएगा, वो सब कुछ आपको प्लस और आइकॉनिक में मिलेगा। इनफैक्ट बेटा आइकॉनिक में आपको सारी अनअकैडमी के मॉड्यूल्स, बुक्स मिलती हैं आपके घर पर, डिलीवर होती हैं, विच इज वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, 3.0 नोट्स जिनको हम बोलते हैं, वो सब आपको मिलेगा। साथ ही में एश्योरेंस मिलेगा, अगर आप एक साल या दो साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नीट एश्योर। एश्योर का मतलब होता है गारंटेड सिलेक्शन। तुमने आइकॉनिक की सारी क्लास लगाई, तुमने आइकॉनिक के सारे टेस्ट दिए, तो हो ही नहीं सकता तुम्हारे नंबर कम आए तो बेटा अगले साल का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री बाय अनअकैडमी। गारंटी वही देता है जिसको अपने पढ़ाने पर, जिसको अपने टेस्ट पर, जिसको अपने टीचर्स पर भरोसा होता है। पिछले साल आइकॉनिक से ही हमने इतने सारे रिजल्ट निकाले हैं, तो हमें भरोसा है यार कि यहाँ से आएगा, अगर बच्चा उस चीज़ को फॉलो करेगा। आप बिना क्लास लगाए तो आप उम्मीद नहीं कर सकते ना रिजल्ट आए, ऐसा नहीं होता है। सारी क्लासेस लगाएंगे, टेस्ट देंगे, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। अगर बेटा जी आप क्लास 11th में हैं अभी, तो आप आरएम रिलोडेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बेटा अगेन प्लस एंड आइकॉनिक दोनों है, दो साल का करना पड़ेगा क्योंकि आप 2025 के लिए पेयर कर रहे होंगे। इन सब में अप टू 35% ऑफ पाने के लिए और मेरी गाइडेंस के लिए आप कोड लगाइएगा सीप लाइव। सीप मेरा नाम है, आगे लगे लाइव लगा दोगे, इससे तुम्हें 35% अप टू 35% ऑफ में मिल जाएगा। एंड साथ में बेटा आप मेरी मेंटोरशिप में भी आ जाएंगे। इन सब के लिंक्स कि कैसे लेना है प्लस आइकॉनिक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। साथ ही में मैम इस नीट मास्टर सीरीज में कैसे एनरोल करना है, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है। तो मुझे अब हर बच्चे का कमेंट चाहिए इस वीडियो में कि आपका टारगेट क्या है, आज आप कितना नंबर स्कोर कर रहे हैं। बेटा चाहे वो 300 क्यों ना हो, लिख के जाओ। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो लास्ट के समय पर मेहनत करके अपना 300 से लेकर उसको 620, 630, 650 तक लेके जाते हैं। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ ऑल अबाउट फोकस। आपका दिन का पूरे 24 घंटे आप किस पे डेडिकेटेड है, जिस पे काम करोगे वो चीज़ स्ट्रेंथन होगी। मसल्स की तरह है यार सब कुछ। मसल को अगर मैं रोज ऐसे 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 करूंगी तो मेरी मसल बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सेम गोज विथ यू, आप जिस चीज पे मेहनत करेंगे वो चीज आपकी अल्टीमेटली बहुत स्ट्रेंथन होती जाएगी। तो लिख के जाना, घबराना नहीं। और इसी वीडियो पे आकर मैं चाहती हूँ अगले साल सब बच्चे कमेंट करें कि पहले पिछले साल मेरे इस समय इतने थे, अगली बारी बेटा मैंने इतने ले लिए। ओके चलिए, सो आई विल सी यू इन माई नीट मास्टर सीरीज। तब तक एवरीवन टेक केयर, डू लाइक द सेशन, अगर आपको अच्छा लगा कॉमेंट जरूर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।